बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 18 का कंटेंट एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक है, बुक 1। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हम दो तरह के सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर सिस्टम और दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट पोर्शन जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर सिस्टम को। रियल नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर सिस्टम की जो बेसिक्स है वो है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिनोमिनेटर वाला इंटीजर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 2/7 है, ये रैशनल नंबर है। 81 का स्क्वायर रूट एक्चुअली किसके इक्वल आ जाता है? 9 के इक्वल। इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब भी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के सेट के लिए हम क्यू की नोटेशन यूज़ करेंगे। क्यू एक ऐसा सेट होगा जो तमाम रैशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। नंबर 2 पे चलते हैं। इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? आर दोस नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सिंपल सी बात यह है, जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई है, स्केयर रूट 2 है, स्केयर रूट 18 है, और जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्केयर नहीं हैं उन सब के स्केयर रूट्स भी क्या हैं? वो सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम तमाम नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को 3 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। सबसे पहला कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स फाइनाइट हों, जैसा कि इसके डेसिमल पार्ट में 1424 हैं, इसके डेसिमल पार्ट में जस्ट 25 हैं। डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं, इसलिए ये कौन से डेसिमल्स कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। नंबर 2 है अ रिक्योरिंग या पीरियोडिक डेसिमल। ये कौन सा डेसिमल होता है? इन विच वन आर मोर डिजिट्स, एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट करें इनडेफिनेटली। फॉर एग्जांपल ये डेसिमल हमारे पास लिखा हुआ है, एंड पे जो डॉट्स हैं ये इस बात को शो कर रहे हैं कि 313131 इन्फिनिट तक चलता जा रहा है। एक ब्लॉक बन गया है 31 और ये इन्फिनिट टाइम इसमें रिपीट हो रहा है। दूसरे वाला अगर आप नंबर देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि कभी भी एंड नहीं हो रहा। 1428571 एक ब्लॉक बन गया जो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रिक्योरिंग या फिर पीरियोडिक डेसिमल्स। तीसरी कैटेगरी आती है जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिक्योरिंग है। रिक्योरिंग डेसिमल भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ऐसे नंबर्स एक्चुअली स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 3 और ऐसे नंबर्स के स्केयर रूट होते हैं जो परफेक्ट स्केयर नहीं होते। ऐसे नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही इसमें कोई रिक्योरिंग होती है। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। जो नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं और नंबर 2 वाली कैटेगरी में आते हैं, ये नंबर्स एक्चुअली रैशनल नंबर्स हैं और जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिक्योरिंग है, ये वाले नंबर्स किसको बिलोंग करते हैं? इरेशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रैशनल और इरेशनल के लिए ये हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, कौन सा इनमें से है जो रैशनल नंबर नहीं है। अगर आप बीटा ऑप्शन देखें तो 16 का स्केयर रूट ये किसी को होता है? 4, जो एक रैशनल नंबर है। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखें तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा और ये 2 बन जाएगा। ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। और जो चार्ली ऑप्शन है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ पाई का स्केयर। पाई हमें मालूम है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और इसका स्केयर भी कौन सा है? इसका स्केयर भी
इरेशनल है, तो कौन सा इनमें से है जो रैशनल नहीं है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो रैशनल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इफ ए इज, ए की कौन सी वैल्यू होगी तो इसका कोई रैशनल सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव ए का स्क्वायर रूट, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये रैशनल नंबर कब नहीं होगा, हमें मालूम है कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा किस किस के लिए, अगर ए प्राइम नंबर हो तब भी रैशनल नहीं होगा, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो फिर तो होगा ही रैशनल ना, और अगर डेल्टा ऑप्शन मुझे इंटीजर लिखा हुआ है इसके लिए कभी रैशनल आ जाएगा कभी इरैशनल आ जाएगा, और हमें मालूम है कि जो प्राइम नंबर का सेट है ये सबसेट है नॉट परफेक्ट स्क्वायर का, इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में गिवन है वो हमने बुक से रिपीट कर लेनी है एक बार। अब हम इनसे रिलेटेड कोई दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए, नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, आपने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो हमें मालूम है कि ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, दिस प्रॉपर्टी इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो बाकी ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें मालूम है क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए, कि हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो इस तरह से होती है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी, कि ए अगर बी के इक्वल है और बी अगर सी के इक्वल है तो ये ए किसकी इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन लिखी हुई है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी कोई से टू रियल नंबर्स हों तो या तो ए ग्रेटर होगा बी से या ए लेस होगा बी से या फिर ए इक्वल टू होगा बी के। कोई से भी टू रियल नंबर्स करें तो इन तीनों में से कोई एक बात जरूर एग्जिस्ट करेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी कोई से भी रियल नंबर्स हैं और सी क्या है, सी लेस देन जीरो है, सी नेगेटिव है, तो आपने बताना है कौन सी ऑप्शन ट्रू है। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है ए इज लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी। देखिए एक्चुअली ये नज़र आ रहा है कि ए लेस देन बी से ए सी लेस देन बी सी कैसे बना है, बोथ साइड्स को सी से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में गिवन था कि सी नेगेटिव है और हमें मालूम है कि जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है, लेस हो तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर हो तो लेस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया हुआ इसलिए ये वाली ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। और सेम यही बात बीटा ऑप्शन में है कि ए सी और बी सी तो लिखा गया है लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया गया। चार्ली ऑप्शन को देखें कि ए ग्रेटर देन बी था लेकिन ए सी लेस देन बी सी हो गया, जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, इसलिए यही वाली ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन है। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखते हैं तो लेफ्ट साइड में सी को ऐड किया है, राइट साइड में सी को सेपरेट किया है और साइन बीच में वही लिखा हुआ है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इससे ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ए इज ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज वन ओवर ए इज लेस देन वन ओवर बी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। जब हमारे पास ये आ गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आप बोथ साइड्स को वन ओवर ए बी से मल्टीप्लाई करवा दें, वन ओवर ए बी मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पर वन ओवर ए अप एंड डाउन कैंसिल होकर वन ओवर बी बन जाएगा, यहाँ बी अप एंड डाउन कैंसिल होकर वन ओवर ए बन जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद ये अगर बना है तो कैसे बना है, बोथ साइड्स को वन ओवर ए बी से मल्टीप्लाई करने से बना है, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन लॉ हमें पता है क्या होता है कि जब बोथ साइड्स में कोई नंबर ऐड कर देते हैं, और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमें पता है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी जब के नॉट इक्वल टू जीरो हो, यह हमें पता है कि गोल्डन रूल को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, चारों के चारों कोई से रियल नंबर्स हैं,
विच वन इज ट्रू, हमने बताना है कौन सी ऑप्शन है जो ट्रू है। अल्फा ऑप्शन पे गौर करें, ए सी इज इक्वल टू बी सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। एक्चुअली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाई गई है, सी को बोथ साइड से कैंसिल किया गया है, लेकिन हमें मालूम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तब लगती है कि जो नंबर कैंसिल हो रहा है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें सी नॉट इक्वल टू जीरो की कोई कंडीशन कहीं नहीं लिखी हुई, इसलिए अल्फा ऑप्शन ट्रू नहीं है। बीटा ऑप्शन की बात करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू वन होता है, बिल्कुल ठीक है होता है, लेकिन हमें मालूम है कि इनवर्स कौन से नंबर का एग्जिस्ट करता है जब ये नंबर नॉट इक्वल टू जीरो हो। लेकिन इसके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, इसलिए ये वाली ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। चार्ली ऑप्शन की बात करें, इसमें लेफ्ट साइड पे ए ओवर बी है, राइट साइड पे ए डी ओवर बी डी है, डी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यानी कि गोल्डन रूल हमने लगाया है। गोल्डन रूल के लिए भी हमें पता है कि जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है इट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाली ऑप्शन भी ट्रू ऑप्शन नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, दैट इज नन ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस एमसीक्यू के अंदर आ रहा है, दैट इज फील्ड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड। फील्ड का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेट फील्ड होता है और कौन सा सेट फील्ड नहीं होता। फील्ड वो होता है जिसमें एडिशन के रिस्पेक्ट से ये वाली प्रॉपर्टीज हों। सबसे पहले तो क्लोजर लॉ इसके अंदर होना चाहिए, नंबर टू है एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होना चाहिए, नंबर थ्री है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर फोर है इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर फाइव इज कमोटेटिव लॉ इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये फाइव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यही फाइव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जीरो के अलावा हर एलिमेंट का, और कमोटेटिव लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हमारे पास टोटल बन जाएंगी 10 प्रॉपर्टीज, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस ए सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एग्जिस्ट करने चाहिए। ये 11 प्रॉपर्टीज जिस सेट के अंदर हो, दैट सेट इज नाउन एज अ फील्ड, और अगर कहीं एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो तो दैट इज नॉट अ फील्ड। तो अब देखिए, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ आर, बीटा में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डेल्टा में सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये तीनों के तीनों सेट ऐसे हैं जो के फील्ड एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर कौन सा सेट है जो फील्ड नहीं है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, चार्ली ऑप्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जानिब बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां पर x और y दोनों किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और आयोटा का मीनिंग क्या है, नेगेटिव वन का स्क्वेयर रूट। इस फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं दे आर सेट टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वाली फॉर्म भी होती है, या फिर x y ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म भी होती है, या फिर x प्लस माइनस वन स्क्वेयर रूट इंटू y, ये वाली फॉर्म भी होती है। ये सारी फॉर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। यहाँ पर जो x है इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू आयोटा y, बल्कि इट इज इक्वल टू y इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। डेफिनेशन के बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट जीरो। फॉर एग्जाम्पल 5 हमारे पास एक रियल नंबर है, तो अगर इसके साथ आयोटा जीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
with imaginary part 0. Third point है negative 1's के root does not belong to set of real numbers, so therefore for convenience we call it imaginary number, यानि कि negative 1 का square root जिसको हमने iota लिखा है ये एक imaginary number कहलाता है, denote इसको iota से किया जाता है. The product of real number and iota is also an imaginary number. यानी कि अगर आप 5 को iota से multiply कर दें या आप negative 2 को iota से multiply कर दें तो ये numbers भी क्या हैं, ये भी imaginary numbers हैं. iota की powers का question बहुत ज़्यादा important है, तो question को discuss करने से पहले हम iota की कुछ powers को solve करते हैं. जैसे कि suppose कीजिए हमारे पास iota square है. iota square equal to होता है negative 1. अगर आप iota cube की बात करें तो iota cube को हम लिख सकते हैं iota square multiply iota और ये is equal to आ जाएगा negative iota के. अगर हम iota की power 4 की बात करें तो आप इसको iota square का square लिख सकते हैं, यानी कि negative 1 का square और ये भी किसके equal आ जाएगा, 1 के equal आ जाएगा. और iota की कोई और बड़ी power आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है iota की पावर 43. इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है कि आप पावर जो 43 लिखी हुई है इसको 4 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल लें. जैसे यहां पर बनेगा 4 1s are 4 और रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा. तो जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ वही पावर ले लें, वही हमारा रिजल्ट होगा iota की पावर 3 नेगेटिव iota के इक्वल आ जाएगा. यानी कि जो भी पावर है जस्ट 4 से करें डिवाइड और उसका रिमाइंडर निकाल लें, वो रिमाइंडर पावर में ले जाएं, वही इसका रिजल्ट है. उसके बाद अगर आप मजीद इसको आगे लेके चलते हैं, iota की पावर अगर नेगेटिव में आ जाती है तो हम इसको 1 ओवर iota लिखेंगे, iota से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर iota बनेगा नीचे iota स्क्वायर. iota स्क्वायर चूंकि नेगेटिव 1 के इक्वल होता है इसलिए इसका रिजल्ट नेगेटिव iota के इक्वल आ जाएगा. ये हैं जी कुछ बेसिक चीजें iota की पावर्स के बारे में. iota की पावर्स का एक क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था, उसमें ऐसे था कि iota की पावर 201 प्लस iota रेज टू पावर 202 प्लस iota रेज टू पावर 203 प्लस iota रेज टू पावर 204. तो आप देखें इसमें क्या है, iota की 4 कंजेक्टिव पावर्स ऐड हो रही हैं. iota की अगर 4 कंजेक्टिव पावर्स ऐड हो रही हों तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आना है, 0 के इक्वल आना है. फॉर मोर सच रिजल्ट्स कंसल्ट योर प्रैक्टिस बुक. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. एमसीक्यू है व्हिच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से अगर ट्रू नहीं है. अगर आप अल्फा ऑप्शन को देखें, आयोटा की पावर 121 है. 121 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, इसका आंसर आयोटा 1 आ गया. और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है. तो देखें आंसर 0 के इक्वल नहीं बन रहा इसलिए ये ट्रू नहीं है. लेकिन चूंकि ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद है हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा. अगर हम बीटा ऑप्शन की बात करें, नेगेटिव 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर रूट हम अलग कर दें और नेगेटिव के स्क्वायर रूट को हम आयोटा लिख दें. 8 के स्क्वायर रूट को हम अलग कर दें और नेगेटिव के स्क्वायर रूट को हम आयोटा लिख दें तो ये हमारे पास बनेगा 16 स्क्वायर रूट और साथ में बन जाएगा आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है और साथ में हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट 4 नेगेटिव 4, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू नहीं है. चाली ऑप्शन अभी हमने डिस्कस की है कि आयोटा की पावर -1 वो तो नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि कोई भी ट्रू नहीं है. तो कौन सी ऑप्शन इसकी होगी, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एंटी टेस्ट में आ चुका है. आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट होकर कहीं तक जा रही है तो हमने इसका रिजल्ट बताना है. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आयोटा की 4 कंजेक्टिव पावर का आंसर 0 के इक्वल होता है, हम ऐसे ही 4 का आंसर 0 के इक्वल करते जाएंगे, देखेंगे लास्ट पे जो टर्म्स बचेंगी हम उनका रिजल्ट बताना चाहते हैं. या फिर इसका शॉर्टकट मेथड यह है कि जहां तक पावर जा रही है हाईएस्ट पावर तक आप उसको 4 पे डिवाइड कर दें, 4 9s are 36, और देखें कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है. जो रिमाइंडर बचेगा शुरू वाली उतनी टर्म्स हमारा आंसर होगा. जैसे रिमाइंडर 1 बचा है तो आयोटा की पावर 1 फर्स्ट टर्म हमारा आंसर है. सपोज कीजिए कि अगर रिमाइंडर 2 के इक्वल आ जाता तो हमारा रिजल्ट क्या आता,
आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, फर्स्ट टू टर्म्स हमारा रिजल्ट आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर वन के इक्वल है तो फर्स्ट टर्म ही हमारा आंसर है, दैट इज आयोटा रेज टू पावर वन, जो कि चार्ली ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में जो आर ई ए एल लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका रियल पार्ट बताना है। तो नीचे सोल्यूशन में देखिए, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड भी हम इसी क्वेश्चन में सीख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 आयोटा आ रहा है, आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें तो वो बन जाता है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर सिंपल आपने मल्टीप्लीकेशन कर दी, ओवर में आपने a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सिंप्लीफाई करके जो आपने रिजल्ट निकाला वो हमारे पास माइनस 4/5 प्लस 7/5 आयोटा बन गया। हमने इसका रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव 4/5, कौन सी ऑप्शन होगी, डेल्टा ऑप्शन होगी। ये तो इसका फॉर्मल मेथड है कि आप इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करने का तरीका याद रख सकते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो रियल पार्ट में, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ए सी प्लस बी डी, यानी कि ए सी मल्टीप्लाई करें बी डी मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, ओवर में लिख दें सी स्केयर प्लस डी स्केयर, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में सी प्लस एटा डी लिखे हुए हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, नीचे सी स्केयर प्लस डी स्केयर लिख दें तो ये क्या बन गया, ये इसका रियल पार्ट बन गया। अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहते हैं तो देखें इसमें बी सी माइनस ए डी, बी सी कैसे बनेगा, क्रॉस लगा दें बी सी, ए डी ऐसे, और दरमियान में नेगेटिव साइन लगा दें, और नीचे वही सी स्केयर प्लस डी स्केयर लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उन रिजल्ट के थ्रू इसका रियल या इमेजिनरी पार्ट जो भी रिक्वायर्ड हो वो फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, 1-2 ऑर्डर पेयर, 3-4 ऑर्डर पेयर, एक मेथड तो ये है कि आप सिंपल वे में इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि ये देखिए 1 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव 5 प्लस 10 आयोटा, इसका आंसर आ गया, कौन सी ऑप्शन हमारे पास आ गई, इसकी डेल्टा ऑप्शन। या फिर एक मेथड हमारे पास ये है कि आप डायरेक्टली इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को याद रख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी है और सी प्लस आयोटा डी है। अगर आप इसका रियल पार्ट फाइंड करना चाहते हैं तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करें, ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, माइनस साइन लगाया, बी को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, तो ये बन गया इसका रियल पार्ट। अब अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहते हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें ए डी और बी सी, और दरमियान में साइन प्लस का लगाएं, ये बन जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास क्या बन गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आप इस तरह डायरेक्ट भी रियल या इमेजिनरी पार्ट कोई एक अगर रिक्वायर्ड हो तो फाइंड कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट इसी तरीके से की जा सकती है। इस एमसीक्यू में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर जेड और डब्ल्यू टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, जेड और डब्ल्यू की हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको बैक सॉल्व के मेथड से करेंगे। हम हर ऑप्शन में से वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज कीजिए कि हम चार्ली ऑप्शन में Z की जगह पर 2 पुट करते हैं और W की जगह पर आयोटा पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 और 2, ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी बन रही है। इसका मतलब है कि चार्ली ऑप्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो चार्ली ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉडुलस की नोटेशन क्या है, दोनों तरफ लाइन्स लगाते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर और ऊपर इसके स्क्वेयर रूट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल होता है z मॉडुलस का स्क्वेयर। नंबर टू प्रॉपर्टी है कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर मॉड हो तो मॉडुलस अलग अलग हो जाता है।
नंबर थ्री प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो ऊपर का मॉडुलस अलग नीचे का मॉडुलस अलग हो जाता है। नंबर फोर प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई पावर हो उसका मॉडुलस लिया जा रहा हो तो मॉडुलस तो पावर जो है वो मॉडुलस के ऊपर आ जाती है। नंबर फाइव प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इनवर्स का मॉडुलस निकालना हो तो उसको 1 ओवर जेड का मॉडुलस कर दें, सिर्फ जेड का मॉडुलस निकाल के उसको 1 ओवर कर दें तो वो इनवर्स का मॉडुलस निकल आता है। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो सबके मॉडुलस अलग अलग हो जाएंगे। नंबर 7 है, आप जेड का मॉडुलस निकालें या नेगेटिव जेड का मॉडुलस निकालें, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें या नेगेटिव जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, सबका रिजल्ट वही रहना है, कोई इसमें चेंज नहीं होना। नंबर 8 प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस। यदि इतना पोर्शन है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। एक और बात याद रखें, मॉडुलस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है, -2 प्लस 3 योटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस योटा, इसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब एक मेथड दिया कि आप इसका स्क्वायर पहले सॉल्व करें, फिर नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, देन उसका मॉडुलस निकालें। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मॉडुलस फाइंड करना बहुत ईजी होगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने क्या किया है कि मॉडुलस ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, देन हमने क्या किया, ये जो पावर थी इसको मॉडुलस के ऊपर ले गए। अब हमने मॉडुलस को अप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 13 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसका रिजल्ट आ गया, विच इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 Z2 माइनस 3 4 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू क्या है? देखिए अभी अभी आपने ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इससे लेस है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल है, और यही वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू के है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर है, कम से कम इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस। तो आप पहले वाले का मॉडुलस लेंगे, सेकंड वाले का मॉडुलस लेंगे, उसको माइनस करेंगे और पूरी वैल्यू वैल्यू का मॉडुलस दे देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2, दैट इज 4 लिया ऑप्शन। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है कि इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड कंजुगेट की यूजुअल नोटेशन क्या होती है, जेड के ऊपर बार लगा देते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी होगा। कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि डिवाइड के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। और अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ कॉन्जुगेट को ही डिस्कस कर रही है कि प्लस या माइनस के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल, कि रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो उसी के इक्वल आ जाता है, या फिर नंबर रियल है उसका कॉन्जुगेट इक्वल, और अगर कॉन्जुगेट इक्वल है तो नंबर क्या होगा, नंबर रियल नंबर होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जेड अगर जेड कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल हो तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होता है जब जेड कैसा हो, इमेजिनरी हो या प्योर इमेजिनरी हो, यानी कि उसका रियल पार्ट जीरो हो। कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ जेड इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा एंड स्टार रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वेयर रूट हमने फाइंड आउट करना है। देखें जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वेयर रूट किसके इक्वल होगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, जेड मॉडुलस के स्क्वेयर के इक्वल है। स्क्वेयर के रूट से अगर कैंसिल होगा तो क्या हमारे पास बन जाएगा, जेड का मॉडुलस बन जाएगा। तो इन एक्चुअल हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जेड का मॉडुलस ही फाइंड करना है। तो मॉडुलस हमें पता है किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट।
ये हमारे पास बन जाएगा 9 प्लस 16 स्केयर रूट, जो किसकी इक्वल होगा 5 की इक्वल आ जाएगा। तो अब देखें कौन सी ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है। डेल्टा ऑप्शन को देखें तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शन है, डेल्टा इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ जेड अबाउट एक्स एक्सिस इज, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक्स एक्सिस के अबाउट जेड का रिफ्लेक्शन है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, ये भी आपने याद रखनी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पे जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पर जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट होते हैं ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो एक्चुअली कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, क्योंकि इसी में कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से एंटी टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसका हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है, हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। अगर हमने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, फार्मूला क्या होगा, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर नेगेटिव बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसमें जहां जहां ए है वहां वहां स्केयर रूट 7 पुट कर दें और जहां जहां बी है वहां वहां 1 पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी अभी हमने आर्गन डायग्राम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जब हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कोई पॉइंट है उसको रीजन से मिला देते हैं तो ये जो ओ पी वैक्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो डायग्राम बनती है इसको आप आर्गन डायग्राम कहते हैं। ओ पी वैक्टर का जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर इसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने याद रखनी है कि बेसिक आर्गुमेंट जब फाइंड करते हैं इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव पाई से लेकर पाई तक होती है। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए आर्गुमेंट फाइंड करने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का मॉडुलस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है इसके ऊपर मॉडुलस लगाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आर्गुमेंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है नेगेटिव पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करना है तो नेगेटिव टेन इनवर्स वाई मॉडुलस ओवर एक्स। इन फॉर्मूलों को हम यूज किया करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ स्केयर रूट थ्री नेगेटिव आयोटा, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट फाइंड करने का आपने फॉर्मूला क्या सीखा है, टेंजेंट इनवर्स वाई मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स वाई यहां पर नेगेटिव वन है इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्केयर रूट थ्री। तो इन एक्चुअल ये टेंजेंट इनवर्स वन ओवर स्केयर रूट थ्री बन जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स वन ओवर स्केयर रूट थ्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय सिक्स के इक्वल। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, दैट इज डेल्टा ऑप्शन नेगेटिव पाई बाय सिक्स। आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इनवर्स का आर्गुमेंट फाइंड करना हो तो इसके लिए हमें इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल के उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ पावर हो तो सिंपल आर्गुमेंट निकाल के उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का आर्गुमेंट आ जाता है। इससे रिलेटेड नीचे हमारे पास क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा एंड स्केयर रूट थ्री माइनस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। अब एक मेथड तो यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें और सिंपल फॉर्म में लेके आके आर्गुमेंट फाइंड कर लें, एक यह है कि आप ये नंबर टू वाली मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें, आप दोनों के आर्गुमेंट्स निकाल कर उनको ऐड कर दें।
1 प्लस योटा में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 1/1। जो सेकंड है इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स y मॉडुलस ओवर x। फर्स्ट में बनेगा टेन इनवर्स 1, इट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सेकेंड बनेगा टेन इनवर्स 1/√3, इट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 15 डिग्रीज की इक्वल आ जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन इसमें से है, दैट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो ये जो वेक्टर की लेंथ है ये इसका मॉडुलस आर है, ये एंगल अगर थीटा है, आर थीटा की फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कहलाती है इसकी पोलर फॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी कि अगर हमने पोलर फॉर्म बनानी हो तो इसके लिए हमें आर चाहिए और उसका आर्गुमेंट थीटा चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आर फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, रियल पार्ट नेगेटिव 2 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका आर फाइंड आउट हो गया। थीटा फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका एक्स और वाई का साइन क्या है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स का मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई किया, टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव 1 बन गया, टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव 145 के इक्वल होता है, तो आर्गुमेंट हमारे पास आ गया 135 डिग्रीज के। अब जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई। पोलर फॉर्म भी कहते हैं या फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ये बन रही है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम बैक सॉल्व के मेथड से कर सकते हैं कि हम ये जो साइन कॉस बीच में एंगल्स लिखे हुए हैं आप इनकी वैल्यूज लगाएं और चेक करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला रिजल्ट बनता है कि नहीं बनता। तो जिस ऑप्शन को सॉल्व करने से वो वाला रिजल्ट बनेगा वो वाली इसकी पोलर फॉर्म होगी। इसको बैक सॉल्व के मेथड से भी किया जा सकता है या फिर आर थीटा फाइंड करके फॉर्मूले में पुट कर दें तो वो बन जाती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब हम बात करेंगे डी मोवियर थ्योरम के बारे में। डी मोवियर थ्योरम क्या होता है, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। कॉस प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो पावर एन है ये अंदर आकर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये हमारे पास बन जाता है कॉस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। यहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर और थीटा कोई भी रियल नंबर है। अब यहां से कुछ रिजल्ट ड्राइव होते हैं, उन रिजल्ट्स को एक अंदर देख लेते हैं। सी आई एस एल्फा और सी आई एस बीटा जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा, सी आई एस एल्फा प्लस बीटा। यहां पर सी आई एस का मतलब है कॉस प्लस आयोटा साइन, यानी कि जब टू कॉस प्लस आयोटा साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके एंगल्स ऐड हो जाते हैं। नंबर टू पॉइंट देखिए, जब यही दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी तो इनके एंगल्स माइनस हो जाएंगे। वन ओवर सी आई एस एल्फा किसके इक्वल होता है, सी आई एस नेगेटिव एल्फा, और सी आई एस एल्फा की पावर एन किसके इक्वल होती है, सी आई एस एन एल्फा, यानी कि पावर आकर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इस थ्योरम इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60 की पावर 2 और नीचे लिखा हुआ है कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30। पहले तो ऊपर लग जाएगा डी मोवियर थ्योरम, 2 आकर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 120 डिग्री। ओवर में हमारे पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 30। अब कॉस प्लस आयोटा साइन डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के एंगल्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 120 माइनस 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 120 माइनस 30। कॉस ऑफ 120 माइनस 30 किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 90, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 90। कॉस 90 होता है 0 के इक्वल और साइन 90 होता है 1 के इक्वल, इसलिए इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आयोटा के इक्वल आ जाएगा।
तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी? अल्फा ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर गिवन हो आपसे, लोग कुछ रिक्वायर्ड किया गया हो, तो हमने सिंपल ये करना है कि जो भी क्वेश्चन लिखी हुई है इसको सॉल्व करना है और देखना है कि रियल फील्ड में किसकी क्वेश्चन बनती है। हम जेड को सपोज कर लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल, और जेड कॉन्जुगेट की एक जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू के बाद क्या है, टू आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू टू आयोटा। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, टू आयोटा वाई इज इक्वल टू होगा टू आयोटा। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा वाई इज इक्वल टू वन। अब वाई इज इक्वल टू वन किस चीज की इक्वेशन है? इट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन सी ऑप्शन होगी? अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे एफएससी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम जस्ट इसको बैक सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि ऑप्शंस का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कौन सी ऑप्शन है जिसका स्क्वायर करने से ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो अल्फा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री माइनस आयोटा। हम ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर एक्सपेंड करें। फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस टू आयोटा स्क्वायर रूट थ्री। ये हमारे पास बन गया थ्री माइनस वन माइनस टू आयोटा स्क्वायर रूट थ्री, ये बन गया टू माइनस टू आयोटा स्क्वायर रूट थ्री। तो देखिए यही है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अल्फा ऑप्शन का स्क्वायर करने से ये वाला नंबर बना, तो अल्फा ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। अब मजीद प्रैक्टिस के लिए आपको स्टेप के प्लेटफॉर्म से जो प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड की गई है उस बुक का यूज करें। उसमें 30 क्वेश्चन इसमें गिवन है, उसको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।